हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, मैं बताने जा रही हूँ पपीते के औषधीय गुणों के बारे में। फ्रेंड्स, पपीता कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और उसे नियंत्रण करने में, कितना हेल्पफुल होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हृदय रोगों के रोगियों के लिए। अगर दिल के दौरे की किसी को समस्या है या दिल का दौरा अगर किसी को पड़ता है और उसका कोई रोगी है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है पपीता, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, पपीते में फाइबर होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके अलावा उसमें विटामिन ए होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होते हैं जो रक्त की सिराओं में कोलेस्ट्रॉल के थक्के को नहीं बनने देते हैं। कोलेस्ट्रॉल के थक्के नहीं बनते हैं जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ना और उच्च रक्तचाप जैसे बहुत सारे जो हृदय रोग होते हैं उनको बनने में या उनको होने से रोकता है। फ्रेंड्स, यदि आपके घर पे या आप हृदय रोग के मरीज़ हैं तो आपको हर रोज़ आहार में पपीता खाना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके लिए बहुत आवश्यक है पपीते को खाना। फ्रेंड्स, पपीता बहुत सारी चीज़ों बहुत सारी बीमारियों को अपने आप ही अंदर ही ठीक कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पपीता में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो स्किन के साथ साथ बालों और आपकी अंदरूनी बीमारियों को भी ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आप लेकर आएँ तो उसे आप सबसे पहले देख सकें।